आप लोगों को क्यों नहीं परमिशन मिल रही जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं को मिल रही है? पैसों वालों की दिल्ली ऐसा ही लग रहा है अभी, पैसे भर के इनको परमिशन मिल जाती है, हम स्टूडेंट को नहीं मिलती। जब तक हम लोगों से होगा, चाहे बीमार हो कुछ हो, जब तक हम लड़ सकते हो तब तक लड़ेंगे। घर वालों का फुल सपोर्ट है सबको यहाँ पे, तबीयत खराब होती है लेकिन करना तो पड़ेगा क्योंकि जिद्द है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी। देखिए, एसएससी जीडी 2018 के अभ्यर्थी हर दिन दिल्ली की सड़कों पर मौजूद हैं, तमाम प्रयास से कर रहे हैं, तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन सरकार तक अपनी बात पहुंचाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि प्रयास तो ये कई कर रहे हैं लेकिन नतीजा इन्हें कहीं ना कहीं मिलता नहीं नजर आ रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि लड़कियां भी यहाँ पर मौजूद हैं, इतनी दूर दूर से कई कई किलोमीटर, हजार किलोमीटर चलकर ये दिल्ली पहुंची हैं सिर्फ इसलिए कि सरकार से अपनी बात रख सके, सरकार से अपनी ज्वाइनिंग ले सके। लेकिन तमाम दिक्कतें, तमाम परेशानियां इन लड़कियों को यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। देखिए, अभी मेरे साथ जितनी भी लड़कियां मौजूद हैं इनमें से एक को बुखार है, तबीयत खराब है, इन्हीं से बातचीत करेंगे, इन्हीं से जानेंगे क्या हुआ है। बताइए क्या हुआ है आपको? तबीयत खराब है मैम। कहाँ से आई हुई हैं? महाराष्ट्र। क्या हो गया है? बस ऐसे मैम, थोड़ी सी घर की हालत खराब हुई, दादाजी एक्सपायर हो गए। दिल बहुत करता है कि गाँव जाए, मतलब सबसे मिल के आए, लेकिन फिर भी जा नहीं सकते। ऊपर से हमारी भी तबीयत खराब हो गई। अगर ये घर में समझ जाए, मतलब किसी को पता चलेगा, फिर तो हंगामा खड़ा होगा। एक तो दादाजी का टेंशन, ऊपर से हमारी तबीयत खराब हो जाएगी तो घर बुला लेंगे मम्मी पापा, लेकिन हम जाना नहीं चाहते। क्या कहना चाहेंगी सरकार से हमारे चैनल के माध्यम से? क्योंकि देखिए, इतने दिन हो गए हैं, तबीयत भी आपकी खराब हो रही है लगातार, और यहाँ पे आप लोग हैं, अपने घर से दूर हैं। अब क्या कहेंगे मैम बताओ, खाना पीना तो टाइम टू टाइम नहीं रहता है, क्योंकि जहाँ भी टाइम मिलता है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा बहुत जहाँ मिल जाए लंगर वगैरह में खा लेते हैं हम। ऐसा टाइम फिक्स नहीं रहता है कि खाना इसी टाइम खाना है, ये खा करना है, वो करना है। ये शेड्यूल नहीं है ना, घर के जैसा कुछ है नहीं। इतना दूर मतलब सड़कों पे भटक रहे, इसका वजह से एक धूप वगैरह सब, मतलब सर हर सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, उसका वजह से इतना ज़्यादा हो रहा है अभी। बिल्कुल, देखिए इतने दिन हो गए हैं, करीब 2 महीने इन्हें पूरे होने वाले हैं, लेकिन ये दिल्ली की सड़कों पर हैं। हालत ये हो गई है कि इनकी तबीयत खराब है लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। आप बताइए, आप कहाँ से आई हुई हैं? हम भी महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आई हुई हैं, कितनी उम्मीद है आपको आपकी बात सुनी जाएगी? क्योंकि देखिए, कोशिश आप कर रहे हैं, हालत आप लोगों की खराब होती जा रही है, दिन पर दिन तबीयत बिगड़ती जा रही है, क्या कहेंगे? हमें उम्मीद अपने से है क्योंकि सरकार तो सुन नहीं रही। जब तक हम है, जब तक हम लोगों से होगा, चाहे बीमार हो कुछ हो, जब तक हम लड़ सकते हो तब तक लड़ेंगे। अब आगे क्या करेंगे? अब आगे तो कुछ सोचा नहीं, बस जब तक यहाँ हैं यही बैठे रहेंगे। ठीक है, आप बताइए। देखिए, आप लड़की हैं, एक लड़की होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि इनकी परेशानियों से आपको गुजरना पड़ रहा होगा। क्या परेशानी आपको अभी हो रही है यहाँ पे? अभी लड़कियाँ हैं तो बहुत परेशानी होती है, भी बहुत कुछ मतलब पर्सनल प्रॉब्लम होते हैं तो हमें सब फेस करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ से नहीं हटे, हम यहाँ पर रहेंगे क्योंकि हमने बहुत, सबने मेहनत किया है, बहुत बहुत कुछ सब फेस करके हम यहाँ तक आए पहुँचे हुए, लेकिन हमें हमारा सब उनके जो सब है वो हम पास किए हैं, लेकिन हमारा मतलब उन्होंने हमें ज्वाइनिंग नहीं दिया है अभी तक, हमें मेरिट से बाहर निकाला गया है। तो हमारी बस यही आशा है कि हमको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। अभी ये मेरे साथ ही आई हुई है महाराष्ट्र से, अभी इसकी भी तबीयत, इसके भी दादाजी गुजर गए और इसकी तबीयत भी अभी सुबह से बहुत मतलब बुखार भी है इसे, तो अभी घर में बताया जाएगा तो मतलब कोई नहीं होता है, हम ही एक दूसरे के लिए अभी यहाँ पे। तो सरकार से यही उम्मीद है कि प्लीज़ कोई हमारी बात सुन ले और हमें ज्वाइनिंग दे दे जल्दी से जल्दी। बिल्कुल, देखिए आपकी तबीयत खराब है, आपके घर वाले क्या कह रहे हैं, घर वालों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? मैम घर में बताया ही नहीं, डर की वजह से वो लोग खामखा टेंशन लेंगे, इसलिए घर में बताया नहीं हमने कुछ भी। बिल्कुल, आप बताएं आप कहाँ से आई हुई हैं? जी मैं महाराष्ट्र से। मतलब जितने भी यहाँ पे देखिए लड़कियाँ मेरे साथ मौजूद हैं, सबके सब महाराष्ट्र से आई हुई हैं। ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पे जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, मैं बता दूँ सिर्फ सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र से ही आए हुए हैं, लेकिन इनकी बात नहीं सुनी। देखिए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, हालांकि देखिए इससे पहले इन्होंने शरद पवार से बात करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहाँ से भी इन्हें कोई नतीजा नहीं मिला, इन्हें कोई जवाब नहीं मिला। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? मैम हमें तो बस ये की उम्मीद है कि हमें ज्वाइनिंग मिल जाए बस, क्योंकि हम 2 महीने से दिल्ली के सड़कों पर घूम रहे हैं, कभी गुरुद्वारा जा रहे हैं, कभी गाजीपुर बॉर्डर जा रहे हैं, कभी सिंधु बॉर्डर जा रहे हैं, हम सब जगह घूम के आए हैं, और हमारी लड़कियों की भी इतनी तबीयत खराब हो चुकी है कि अभी वो आप देख सकते हैं धूप भी बहुत सारी बढ़ गई है, और घर में भी हम बता नहीं सकते कि हमारी तबीयत खराब है, क्योंकि घर में भी बुला रहे हैं वापस कि क्या कह रहे हैं आपके घर वाले?
घर वालों ने उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन हम उम्मीद नहीं छोड़ सकते मैम, क्योंकि हमने बहुत साल इंतज़ार किया है। 3 साल तो पहले वैसे ही चले गए और ओवरेज भी हो चुके हैं कुछ, तो हमें अगली भर्ती नहीं दी जा सकती, इसलिए हमें यही ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। आपको नहीं लगता, अब देखिए नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, अब भर्ती मिलेगी तो नए स्टूडेंट्स को मिलेगी, नए लोगों को मिलेगी मैम, लेकिन उनके पास 111,000 सीट खाली है, तो इतनी तो भर्ती वैकेंसी नहीं निकाल सकते ना, बाकी तो बचेगी उनमें से ही, हमारी सीटें तो बच रही है ना, तो वो तो मिल सकती है हमें, हम यही उम्मीद पे यहाँ बैठे हैं। नई वैकेंसी से हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे 2018 की वैकेंसी है। बिल्कुल, आप बताइए शुभांगी, देखिए लगातार आप पहले दिन से यहाँ पर मौजूद हैं, आपसे हर दिन मैं मिलती हूँ, अब आपकी जो साथी हैं इनमें से किसी की तबीयत खराब हो रही है, किसी के साथ कोई दिक्कत आ रही है, किसी के घर से कुछ प्रॉब्लम है, किस तरह से ये आगे की लड़ाई लड़ेंगे? अब दिक्कत तो आ रही है, तब किसी की तबीयत खराब है, किसी के घर पे इमरजेंसी है, लेकिन फिर भी हम लड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो है ड्रीम था वो टूट गया है, और घर वालों ने सपना देखा था कि हम कुछ करेंगे आगे, सब चाहते थे कि हम फोर्स में जाए, सबका सपना था, और घर वाले भी चाहते कि हम लड़े, घर वालों का फुल सपोर्ट है सबको यहाँ पे, तबीयत खराब होती है लेकिन करना तो पड़ेगा क्योंकि जिद्द है। देखिए आपके घर वालों का फुल सपोर्ट है, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनके घर वाले उन्हें वापस बुला रहे हैं, शायद उनको तकलीफ देख नहीं जाती अपनी बच्चे की तबीयत खराब हो रही है, बाहर लड़की है, सुरक्षा का माहौल नहीं है दिल्ली में, तो चिंता तो होती है, लेकिन फिर भी सपोर्ट करते हैं सभी के माँ बाप की, वहाँ पर रहो लड़ो करके। चलिए बिल्कुल, देखिए आप सुरक्षा की बात करें, अगर मैं आपकी दिनचर्या पूछूं कि आप यहाँ पे कैसे समय बिताती हैं, पूरे दिन में क्या करती हैं, सुबह से शुरुआत करते हैं, क्या कुछ करते हैं आप पूरे दिन में? सुबह हम उठने के बाद तो सीधा, मतलब सुबह का दिन तो हमारा यहाँ पार्क में रहता है, सुबह सुबह आप लोग खा पी के यहाँ इस पार्क में आ जाते हैं, खा पी के यहाँ पार्क में आ जाती, और शाम को 5 बजे से 9 सुबह के 9 बजे तक हम गुरुद्वारा में रहते हैं, वही बाकी दिन हम यहाँ पार्क में रहते हैं। बाकी कहाँ कुछ किसी से बातचीत करने के लिए जाते हैं, क्या कुछ करते हैं? बातचीत तो सभी के साथ की है, सांसद मंत्री और जितने भी यहाँ पे हमारे स्टेट के भी आते हैं मंत्री सांसद, उनसे भी बात की है, सभी से बात की है, लेकिन सब पीए बोलते हैं कि 2 दिन के बाद आओ, 3 दिन के बाद आओ, इसे जाने के बाद क्या करते कि नहीं, सुनते नहीं है, सिर्फ बोलते ही सुनेंगे, कोई सुन नहीं रहा है, और परमिशन की बात है, हम परमिशन मांग रहे हैं, मेंशन करना है तो वो भी नहीं मिल रही है, स्टूडेंट है फिर भी परमिशन नहीं दे रहे, लोग रिजेक्ट कर दे रहे हैं, हम हमेशा लेके जाते फॉर्म की हमें परमिशन, तो परमिशन लेकिन नहीं मिलती है। आपको क्या लगता है शुभांगी, देखिए अभी 3 दिन पहले बीजेपी ने मौन उपवास किया था केजरीवाल सरकार के खिलाफ, क्या लगता है आप लोगों को क्यों नहीं परमिशन मिल रही जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं को मिल रही है? पैसे वालों की दिल्ली ऐसा ही लग रहा है, अभी पैसे भर के इनको परमिशन मिल जाती है, हम स्टूडेंट को नहीं मिलती, वो बोल रहे पैसे दो फिर परमिशन देंगे, ये बीजेपी वाले कर लेते हैं, ये पॉलिटिक्स लोगों का चलता है, लेकिन हमारा कुछ नहीं चलता, हम देश के युवा है लेकिन सड़कों पे बैठे हैं, पार्क में बैठे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, बेरोजगार है, लेकिन इनको पैसे की दिखती है, जिसके पास पैसे उसको मिल जाती परमिशन, बस। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर ये लोग कहना, हम देश का युवा है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम इसीलिए पार्क में और सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर है, क्योंकि देखिए परमिशन ये लोग मांग रहे हैं जनता मंत्र पर प्रदर्शन करने के, लेकिन परमिशन इन्हें नहीं दी जा रही, कहीं ना कहीं घुमाया जा रहा है, कोशिश लगातार हर रोज कुछ लोग इनके साथी जो हैं वो जाते हैं पुलिस से परमिशन लेने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें घुमा दिया जाता है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, कैमरामैन सरताज के साथ मैं पारुल त्यागी, दिल्ली।